श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम स्वात्मविज्ञान संतृप्तं भक्ति गंगेशमानसं श्रीगुरुं परमं वंदे भक्त्या स्वामी तपोवनम्। श्री सौम्य काशीश स्तोत्रम्। परम पूज्य स्वामी तपोन जी महाराज द्वारा विरचित ज्ञानपूर्ण स्तुति है। इसमें भगवान श्री शंभु श्री विश्वेश्वर महादेव को उस निर्गुण स्वरूप में इसका प्रतिपादन है और उपनिषदों में उस जगत के अधिष्ठान जो सच्चित अनंत आनंद स्वरूप है उसे जिन जिन रूप में संकेत किया है उसी को यहाँ पर भी बताया गया कि वही वो शंभु हैं जिन्हें हम नमन करते हैं और यह नमन उन्हें जानकर उनसे एक होकर हो पाता है। ईशावास्य उपनिषद पर आधारित श्लोकों के बाद केनोपनिषद पर आधारित श्लोकों में देखा कि इंद्रियों से परे मन से परे इंद्रियों का विषय जो नहीं बन सकता और इंद्रियां जिनकी वजह से अपने विषयों में कार्यरत हो सकते हैं वही वो ब्रह्म है। उसे यदि कहता है कि किसी ने जान लिया उसको विषय बनाने का प्रयास करे तो उसने कभी जाना नहीं उसको, और जिसने सही में जाना है वो कभी भी विषय के रूप में उसको जान नहीं सकता। उसे प्राप्त करने का द्वार हर एक अनुभव हो सकता है। इंद्रियों के द्वारा जो भी हम बहिर्मुख होकर जगत में अनुभव करते हैं वो सारे अनुभव उस ब्रह्मानुभूति के उपलब्धि द्वार हो सकते हैं। हर एक वृत्ति जो मन में उठती है वो सारी वृत्तियाँ उसके उपलब्धि द्वार हो सकते हैं। इसके बाद कहा कि ये जो इंद्र अग्नि वायु इत्यादि देवता जिसे देखने जानने प्राप्त करने के लिए
बहुत उत्सुक थे, मेहनत किया पर जान नहीं पाए, पर शास्त्र की कृपा से, श्रुति माता की कृपा से उस परम तत्व को जो यक्ष स्वरूप है उसको जाना, और क्योंकि इंद्र ने पहले जाना उसको वो राजपद मिला और फिर अन्य देवताओं को भी इसी प्रकार ज्ञान हुआ। तो इस आख्यायिका के माध्यम में से भी इसी चीज को दर्शाया गया है, क्योंकि जिसे आधि दैविक रूप से देवता कहते हैं उसे ही आधि भौतिक रूप से, जैसे अग्नि है तो जो भौतिक अग्नि दिखती है वो आधि भौतिक रूप है अग्नि का, और यहाँ जो देवता कहा वो आधि दैविक रूप है। और आध्यात्मिक रूप क्या है? बोले आध्यात्मिक रूप ये सब देवता हमारी इंद्रियाँ हैं। तो आध्यात्मिक रूप इन देवताओं का इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के द्वारा उसको जानने का प्रयास हो तो भी वो सफल नहीं होता। पर शास्त्र के माध्यम से इंद्र, इंद्र कौन है? सारे इंद्रियों का राजा, सभी इंद्रियां जिसके वश में है, जिससे जुड़ी हुई हैं, वो हमारा मन। वो मन शास्त्रों को सुनकर उस पर मनन करके वो इसे जानने की क्षमता रखता है। पर कैसे जानना है? विषय के रूप में नहीं, पर अपना जो ध्यान है अपने आप में केंद्रित करके। तो जैसे वो मन है वो भी मानो इस ब्रह्म की ओर देख के वो उसमें विलीन हो जाता है। और इसी प्रकार जब मन अंतर्मुख होता है तो इंद्रियां भी अंतर्मुख हो जाती हैं। तो इंद्र को ज्ञान मिला, सारे देवताओं को ज्ञान मिला। तो इसी प्रकार ये जो आख्यायिका है, एक कहानी के माध्यम से ये ज्ञान को बताया गया कि उतने उत्तम शिष्य ना हो तो भी इसे समझ पाए। इसके बाद केनोपनिषद के चतुर्थ अध्याय पर आधारित ये जो आगे के श्लोक हैं इसमें बहुत सुंदर उपासना दी गई है। उपासना क्या है? किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे मन को एक जगह एकाग्र होना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको शुद्ध रहना महत्वपूर्ण है। ये शुद्धि एकाग्रता जो है वो कर्म उपासना से आती है। उपासना यानी कोई भी निकृष्ट वस्तु हो, सामान्य वस्तु हो, उसमें कोई उत्कृष्ट भाव रखना, उसे ही उपासना कहते हैं। सामान्य भाषा में उसे भक्ति कहते हैं, वेदों की भाषा में उसे उपासना कहते हैं। तो जैसे शिवलिंग है, वैसे शिवलिंग क्या है? वैसे देखा जाए तो बोले वो पत्थर है, पर क्या हम शिवलिंग पे जब जल चढ़ाते हैं तो पत्थर मान के चढ़ाते हैं? ये तो हमारे लिए तो साक्षात शिव जी हैं, इसीलिए। तो वो जो निकृष्ट वस्तु है, सामान्य पत्थर है, पर उसको हम, उसमें उत्कृष्ट बुद्धि लगती है और फिर उसे हम उसके माध्यम से उस चेतन तत्व को संपर्क करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। वैसे देखा जाए तो जिन सीढ़ियों पर चढ़कर हम मंदिर जाते हैं वो भी उसी पत्थर के बने हुए हैं, हाँ, पर हमारा भाव यहाँ नहीं वहाँ है, हाँ। तो असल में देखा जाए तो उपासना जो है भाव प्रधान है, वही भक्ति भी है। तो हमारा संबंध क्या है उससे? इसीलिए जब कहा जाता है कि ये भारतीय लोग मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, कोई भी आज तक भारतीय किसी ने भी पत्थर की पूजा नहीं की है, हम ईश्वर की ही पूजा करते हैं, हाँ। पर वो जो माध्यम है जिसका आलंबन लेते हैं उसके माध्यम से हम उसको कॉन्टैक्ट करते हैं, हाँ। यदि हमारी दृष्टि हो तो जिस सीढ़ी पे हम खड़े हैं वो सीढ़ी में भी उस शिव का दर्शन हो सकता है, हाँ। तो ये उपासना है। तो जो सामान्य वस्तु है उसमें कुछ उत्कृष्ट दृष्टि हो गई हमारी, तो हमारा मन उस उत्कृष्ट विचार में स्थिर हो जाएगा, ये सामान्य वस्तु से कुछ उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसे ही जो यहाँ कहा आदेश, आदेश शब्द का उपयोग होता है यहाँ उपनिषद में। आदेश यानी दृष्टांत दिए गए हैं। दृष्टांत किसके लिए? उपासना के लिए।
ये सामान्य दृष्टांत क्या होता है, जो हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, ऐसे दृष्टांत जो हैं उनको देखकर वो उत्कृष्ट भाव लाना, तो उपासना के लिए ये दृष्टांत दिए, उसे कहते हैं आदेश। तो यहाँ पर बहुत सुंदर दो आदेश, दो दृष्टांत दिए गए हैं, हम उसको पढ़ते हैं 24वां श्लोक। विद्युत प्रकाशायित चित् प्रकाश चक्षुर्निमेषायित लोक सर्ग इंद्रादि गर्वापहरश्च विश्व मूर्तिश्च यस्तं भज विश्वनाथम्। तो एक दृष्टांत दिया विद्युत प्रकाशायित चित् प्रकाश, विद्युत का प्रकाश, जैसे बिजली चमकती है उसका दृष्टांत दिया कि जो ये बिजली चमकती है वैसे तो पूरा सब जगह अंधकार है, बादल छाए हुए हैं, घने बादल हैं, पूरा अंधकार है सब जगह पर, और वहाँ जब अचानक एक बिजली चमकी, अब वो बिजली कब चमकेगी पता नहीं, कई लोग घंटों तक कैमरा लगे खड़े रहते हैं और वो चमकती, वो जब तक क्लिक करते तब तक गई, एक क्षण भर के लिए भी आए चले, पर उस क्षण में क्या हुआ, जो पूरा अंधकार था वो एक क्षण में पूरा उजाला हो गया उस क्षण के लिए, फिर गायब क्षण भर के लिए। तो ये कहने का अर्थ क्या है कि आप बैठो, पढ़ा है, मनन किया है, कोई अभी शंका नहीं है, अब उसका जो अनुभव करने का प्रयास करने बैठे, वो मन को उस दिशा में लेके गए, उसमें लीन करने का प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में मोड़ लिया, अचानक वो क्षण भर के लिए एक बिजली चमक सकती है, कब चमकेगी पता नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ बिजली को चमकाने के लिए, कुछ नहीं, राह देखो, पर उस दिशा में देखते रहो चमके, और क्षण भर के लिए आता है गया, उस क्षण भर के लिए सब कुछ उजागर हो जाता है, वो उसके दर्शन उस क्षण भर में हो गए, फिर पता चल गया क्या होता है प्रकाश, पता चल गया क्या है आसपास एक क्षण भर में, फिर ऑफकोर्स आगे मेहनत करते हैं कि जिससे हम उसमें निष्ठा पा सकें, पर वो जो एक अनुभूति है वो क्षणिक अनुभूति कभी भी हो सकती है और वो पूरे जीवन को उजागर कर सकती है, ऐसी अनुभूति। और क्या इसके लिए हमें कुछ, पहली बात तो हम कुछ कर नहीं सकते उसको लाने के लिए, दूसरी बात हमें करने की आवश्यकता भी नहीं है, ये अनायास, तो हम क्या करें, केवल उस दिशा में देखो, हमें दिखे बिजली चमक रही, मुझे देखना है, अच्छा चलो देखते रहो चमके, बस उसमें बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आ जाएगी, अनुभव हो जाएगा। तो कहीं और कुछ और, कहीं ध्यान भटक गया, इधर उधर चला गया, तो बिजली चमकी भी होगी पता नहीं चलेगा। तो ऐसी ये बिजली चमकती जाती है, चमकती रहती है, पर क्या हम उसको देख पा रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ी देर, बोले ठीक है चलो अभी आज का हो गया कल,
गुरु जी कहते हैं कि स्पिरिचुअल पर्सन्स वर्ल्डली नीड्स आर मिनिमल एंड अ वर्ल्डली पर्सन स्पिरिचुअल नीड्स आर मिनिमल। मतलब 5 मिनट कर लिया ना, हो गया, आज का हो गया, आई फिनिश्ड टूडेज मेडिटेशन, फिनिश्ड लॉक स्टॉक एंड बैरल, ख़त्म हो गया, अब आज चाहिए तो भी आज नहीं मिले, कल मिलेगा दूसरा, ऐसा। तो थोड़ी देर के लिए देख के धैर्य खो दिया, थक गए, उससे नहीं होगा, बहुत धैर्य चाहिए और बिल्कुल एकाग्र होकर देखते रहो, देखते रहो। इवन उसका फोटो खींचना भी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो फोटो खींचने में लगे हैं, कैमरा का सेटिंग्स कर, इतने में आगे चमक के चला गया, अरे देखा ही नहीं। तो किसी और चीज में पकड़ने का प्रयास नहीं करना है, जैसे हम इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में उसे पकड़ने का प्रयास, उससे नहीं होगा, वो फोटो खींचने में वो नहीं आएगा पकड़ में। तो क्या करें, बस उस दिशा में एकाग्र होकर बैठ जाओ। कब होगा? होगा, उतना है कि हुए बिना नहीं रहेगा, होगा जरूर। ऐसे विद्युत प्रकाश आयत, और यही चित्त प्रकाश है, यही चैतन्य का प्रकाश है। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, अभी ध्यान में बैठ के हमको लाइट देखने का प्रयास नहीं करना है। फिर पूछे कौन से कलर का लाइट दिखता है, मुझे तो पीला दिखता है, अरे मुझे तो लाल दिख रहा है, किसी ने मुझे तो हरा दिख रहा है। गुरुदेव ने कहा लाल पीले हरे लाइट देखने हो तो ट्रैफिक पोस्ट सिग्नल पे जाओ, ध्यान करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा प्रकाश नहीं है जैसा हम बाहर देखते हैं। ये प्रकाश शब्द का उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि जिसे जानने से सब कुछ जाना जाता है, वो बिजली चमकती है तो सब कुछ दिख जाता है, ऐसे वो तत्व है जिसको जानकर सबको जान लेते हैं हम। जैसे एक सोने को जान लिया तो सारे सोने के आभूषणों को जान लिया, एक मिट्टी को जान लिया तो सारे घड़ों को जान लिया, इसी प्रकार वो एक चैतन्य तत्व को जान लिया तो सारे जगत को जान लिया, इसीलिए उसे प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश यानी ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करें और सडनली एक लाइट दिखेगा हमें, ये लाइट दिखे वो भी समझना चाहिए कि वो बुद्धि का विषय है, मन का विषय है, कुछ दिख रहा है, वो विषयीकरण हो तो वो है ही नहीं। विज्ञातम अविजानतम, सही में हम समझे ही नहीं है इसे। तो ऐसे और अनुभवों के बीच हम बहुत बड़े, बहुत हमें मजा आता है, बोले ऐसा अनुभव होता है तो क्या करना चाहिए, आप थोड़ा गाइड करो, मेडिटेशन में मुझे ऐसे लाइट्स दिखते हैं तो क्या करना चाहिए। दिखे तो दिखने दो, कोई क्या फर्क पड़ता है, वो लाइट नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं, नहीं तो आंखें खोल के देख लो। अगर लाइट ही देखना है तो बहुत है, क्यों आंखें बंद करने की जरूरत है, आंखें बंद करके भी वही लाइट दिख रहा है तो क्या वो मतलब क्या है उसका। कभी कुछ सुनाई देता है किसी को, मुझे ओम सुनाई देता है, अब सुनाई देता होगा क्या, क्या पता। मुझे वेद के मंत्र सुनाई देते हैं, बहुत बढ़िया, फिर पता चलो सीडी बज रही थी पीछे, और मुझे लगा अंदर से सुनाई दे रहे हैं। जो कुछ सुनाई दे, दिखाई दे, किसी किसी को हल्का हल्का महसूस होता है, एकदम हल्का हल्का ऐसा लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, ये सब अनुभव हैं, विषय हैं, चाहे वो काल्पनिक हो या सही में हो क्या फर्क पड़ता है, इट डजंट मैटर, ये सब कोई मायने नहीं रखते। ऐसे आप डिसमिस ऑफ कर लेते हो सारे, हम इतनी मेहनत से इतने ऐसे ऐसे अनुभव हमको हुए हैं तो किताब लिखो, एटलीस्ट लोगों को चॉइस तो है पढ़ने ना पढ़ने का, नहीं तो सुनना पड़ता है जबरदस्ती आपके एक्सपीरियंसेस। तो अनुभव, हाँ होने दो अनुभव, क्या फर्क पड़ता है, वी आर नॉट लुकिंग फॉर एक्सपीरियंसेस इन मेडिटेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस को ही ढूंढ रहे हैं तो वो तो एक्सपीरियंस तो पूरे जीवन भर करते आ रहे हैं हम, जागृत अवस्था में
एक्सपीरियंसेस हैं, स्वप्ना अवस्था में एक्सपीरियंसेस हैं और सुषुप्ति में भी नो एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस है। तो कंटिन्यूअसली हम एक्सपीरियंस ही तो कर, उसको थोड़ी ढूंढ रहे हैं हम, तो ध्यान में भी बैठ के वही एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं। मुझे अचानक ऐसे ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, तो पंखा बंद करके बैठो। ये दिस एक्सपीरियंसेस आर नॉट, तो यहाँ कहा विद्युत प्रकाश है, तो चित प्रकाश है, कहने का अर्थ ये है कि वो विद्युत जैसे एक क्षण भर में एक बार वो हो जाए तो सब कुछ जाना जाता है, वो एक आनंद आता है, वो आनंद की अनुभूति होती है वो क्षण भर के लिए भी यदि वो मिल जाए तो। कहने का अर्थ ये है। तो ये चैतन्य की अनुभूति है और प्रकाश यानी जो सब कुछ जाना जाता है जिसे जान के। अच्छा कैसे पता चलेगा कि वो मैंने उसी को देखा और सब कुछ जाना गया, वही है, कैसा कैसे पता चलेगा? जब वो सही में होगा तब ये प्रश्न नहीं उठेगा कि क्या हो गया, वो प्रश्न नहीं आएगा, पता होगा। हाँ जब अपने आप को जब जान लेते हैं फिर क्या किसी से पूछना पड़ता है ये मैंने अपने आप को सही जाना ना, ऐसे पूछना पड़ेगा? अरे जब अपने आप को देख लिया बस पता चल गया कि मैंने देख लिया अपने आप, फिर कोई कन्फर्मेशन देखने नहीं जाना पड़ेगा, कोई फोटो नहीं देखना पड़ेगा, ये आईने में जो दिख रहा है वो मैं ही हूँ ना, हाँ मैं ही हूँ। आई डोंट नीड सच कंपैरिजन, कन्फर्मेशन, किसी का अप्रूवल, कुछ ज़रूरत नहीं है। और यदि कोई गाइड कर भी सके वो गुरु ही हो सकते हैं, वो समर्थ गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही हो सकते हैं, और वो गुरु ईश्वर से भिन्न नहीं है, वो स्वयं वो शिव स्वरूप है। दूसरा आदेश, दूसरा दृष्टांत क्या दिया? चक्षुर निमेशायित लोकसर्ग। ये हमारे जो आंखें जो पलक झपकते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में आंखें बंद होती हैं, वो पलकें बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, हमको पता भी नहीं होता कब होती है कब होती है। पर ऐसा कहते हैं, यहाँ पर जो बताया शब्द का उपयोग किया कि यदि हम व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो हमारी जो आंखें बंद होती हैं और खुलती हैं तुरंत होता है, वो एक सेकेंड भी नहीं लगता, उससे भी कम समय लगता है, कई बार पता भी नहीं चलता कितनी बार हमारी पलकें झपक रही, पता ही नहीं होते जा रहा है, वो एक्चुअली वो आंखों के लुब्रिकेशन के लिए हो रहा है, पर वो होता जा रहा है, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, हमको पता भी नहीं हो रहा है। पर यदि उस एक बार पलक झपकने को हमने थोड़ा स्लो मोशन कर दिया और वो स्लो मोशन में उस चीज को एक्सपीरियंस किया तो क्या होगा? ये आंखें बंद हुई और फिर खुली। अब ये आंखें बंद हुई और फिर खुली, उसमें क्या होता है, अनुभव क्या होता है हमारा? एज अ पर्सन हमारा अनुभव क्या होता है? आंखें बंद हुई, सृष्टि का क्या हुआ? गायब हो गया। फिर खुली, वापस सृष्टि आ गई, सृष्टि गई आ गई, गई आ गई। ये बहुत फास्ट होता है इसलिए हमें पता नहीं चलता, पर उसको स्लो देखेंगे तो समझ में आता है। हाँ एक सृष्टि गई आ गई। हमारी व्यक्तिगत सृष्टि जो है, हमारी दुनिया जो है व्यक्तिगत, क्योंकि चाहे हम सब इसी भौगोलिक क्षेत्र में साथ में बैठे हैं पर फिर भी हम अपनी अपनी दुनिया में ही बैठे हैं, वो हमारी अपनी रचना है। हाँ ईश्वर ने जो कॉमन सृष्टि की है वो सब हम सबके लिए कॉमनली की है, पर हमारी अपनी रचना में, अपनी सृष्टि में बैठे हुए हैं अभी हम। हाँ उस सृष्टि को यदि हम देखें तो आंखें बंद हुई तो प्रलय हो गया, खुली तो उत्पत्ति हो गई, जब तक तो खुली रहती है तब तक स्थिति है, प्रलय उत्पत्ति, प्रलय उत्पत्ति, प्रलय उत्पत्ति, ये होता जा रहा है। जायते जायते गच्छति, जायते गच्छति। हाँ
और बीच में थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता है तिष्ठति इव, इसी को ज ग त, जायते गच्छति तिष्ठति। हाँ, तो वो तिष्ठति भी थोड़ा सा सैंपल के लिए ऐसा लगता है कि है, उत्तर में गया। हमारी पलकें झपक रही हैं, इसमें कितनी बार सृष्टि और लय हो रहा है। और इसी प्रकार यदि वो जो समष्टि के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो पलकें झपकता है तो क्या होता है? तो समष्टि जगत का प्रलय क्या है? आंखें बंद हुई और फिर खोली, सृष्टि हो गई। और सृष्टि कैसे होती है? हमारे शास्त्रों में कहा है यथा पूर्वम अकल्पयत। सृष्टि कैसे होती है? पहले जैसी थी, जिस हालत में प्रलय हुआ, वहीं से नई सृष्टि होती है। क्या ये सिद्ध नहीं होता इससे? आंखें बंद करते हुए जैसी देखी थी, खोलते हैं वैसी दिख रही है। समष्टि में भी यही है। इसी को कहते हैं चक्षुः निमेषायित लोकसर्गः। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय। तो अब हम यदि इस आत्म तत्व को, ये शंभु को, इस विश्वनाथ भगवान को जानना चाहते हैं, उस ब्रह्म को पहचानना चाहते हैं, चाहे सृष्टि हो या ना हो, सृष्टि की उत्पत्ति लय, उत्पत्ति लय, ये सब होते हुए क्या है कांस्टेंट? वो मैं, उसे पहचानना, जिसे देखता हूँ वो भी मैं हूँ, और जब वो नहीं रहता तब भी मैं हूँ। पर उस सृष्टि का ज्ञान जैसे होता है, वो जैसे बिजली चमक रही है, वैसे ही ये ज्ञान भी जैसे आंखें खुलती हैं, हो गया, दिख गया, और आंखें बंद हुई, ओझल हो गया। ऐसे ही वो ज्ञान भी नित्य है, उसे बस देखने की देर है, पहचानने की देर है। सृष्टि हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पलके झपकने जैसे ज्ञान है ये, अनायास हो सकता है। कुछ करने के, बिजली तो बोले बहुत दूर है, वो आकाश में कहीं हो रही है, हम तो कहाँ कुछ कर सकते हैं। इवन पलके झपकने में हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, जबरदस्ती आंखें बंद कर सकते हैं, पर ये जो पलक झपकना है निमिष उन्मिष, ये तो ऑटोमेटिक होता है, अनायास हो रहा है। पर उसमें यदि अवेयरनेस आ जाए, जागरूकता आ जाए, उसको देखना शुरू हो जाए, तो वही ज्ञान की अनुभूति उस क्षण में, ज्ञान की, तब मैं देख सकता हूँ, उस क्षण में देख सकता हूँ कि सारी सृष्टि जो दिख रही है, क्या वो मुझसे भिन्न है? सृष्टि की स्थिति लय सब की बात करते हैं, पर किसके ऊपर आश्रित है ये सब कुछ, उसको पहचानना। चक्षुर निमेश आयत लोकसर्ग। तो जिसके निमिषोन्मिष जो है, जिसके पलक झपकना इस सृष्टि का, पूरा समष्टि का स्थिति, सृष्टि स्थिति लय है, सर्ग लय है, वो जो उस बिजली की चमकार के जैसा प्रकाश स्वरूप चैतन्य है, वही वो विश्वनाथ भगवान है। उसे क्या कहा? इंद्रादि गर्व अपहरश्च। इंद्रादि के गर्व को जिसने हर लिया, नाश कर दिया। हाँ, वो पिछले आख्यायिका में ही बताया कैसे नाश किया गर्व। देखिए,
कहानियों में ऐसा कहते हैं कि वो बहुत गर्वित था, वो गया जानने के लिए, फिर नहीं जान पाया, वापस आ गया। पर ये गर्व को भी समझना है। गर्व क्या है? वो जो एक सूक्ष्म भाव है हमारा कि हम इंद्रियों से उसको जान लेंगे, मन से उसको जान लेंगे, बुद्धि से प्रयास करेंगे तो समझ आ जाएगा, इसे गर्व का। गर्व यानी इट्स नॉट ए नेगेटिव थिंग ऑल टुगेदर। कभी वो बढ़ जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, पर एक बेसिक होप रहता है, मैं आशा रहती है कि मैं इसे बुद्धि से भी समझ लूँगा, वो मन से उसको पकड़ लूँगा, ऐसा हमको लगता है, वो उसको गर्व का है। बोले कुछ नहीं होने वाला, बैठ जाओ चुपचाप। वो जब वो चुपचाप बैठता है तभी होता है जिसे होना है, ना तो कि कोई बोले क्या कर रहे हो, बिजली पैदा कर रहा हूँ बिजली, ऐसे ताली बजाने से बिजली थोड़ी होती है, चुपचाप बैठ जाओ, बैठ के देखो चमकेगी ऐसे। तो इंद्रादि गर्वापहरश्च। दूसरी बात, इसका बहुत सुंदर अर्थ ये दृष्टांतों को और ये इंद्रादि गर्वहर का है, इसको साथ में लेके चले हैं तो इतना सुंदर वो जो गुरुदेव दृष्टांत देते हैं कि जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम यदि खड़े हों और सामने के प्लेटफॉर्म में मेरा कोई मित्र खड़ा है, तो जैसे मैंने देखा उसे, मैंने बोला अरे देखो देखो, तो हम दोनों की जस्ट नज़र मिलने ही वाली थी कि गाड़ी आ गई। तो मालूम है कि वो है वहाँ पर वो उससे नज़र मिलाने से पहले, वो देखने से पहले गाड़ी आ गई। अब जब गाड़ी आ गई, हमने यदि ये अनुभव किया, मुझे लगता है सबने किया होगा, ये जब ये गाड़ी आती है तब वो इंजन निकल गया और दूसरा पहला डब्बा नहीं आया, उसके बीच में थोड़ी जगह होती है, वहाँ वो दिखता है इतने में डब्बा आ गया, फिर वो एक डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच में फिर थोड़ी सी जगह आती है, गया फिर से। वो क्षण क्षण के लिए होता है क्योंकि तेज चल रही है गाड़ी, तो एक एक क्षण भर के लिए, क्षण के फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए होता है। तो जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा अंतराल मिलता है उसमें हम उसको देखने का प्रयास करते हैं, पर पूरी तरह से दिखता नहीं है वो। फिर क्या है, वो धीरे धीरे गाड़ी धीमी हो रही है, तब क्या होता है, वो धीमी होती है तो वो जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा, वैसे गैप उतना ही है पर हमें ज़्यादा लंबा समय के लिए उस पर ध्यान दे पाते हैं। देते गए धीरे 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 धीरे, आते 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 गाड़ी रुक गई, और यदि रुकी और यदि मैंने देखा सामने डब्बा है तो मैं तुरंत किसी न किसी साइड में जाकर उसके अंत में और दूसरे डब्बे के पहले बीच के अंतराल से उसको ढूंढने का प्रयास करूँगा और उसको देख लूँगा। इसी प्रकार ये जो रेलगाड़ी है वो हमारे मन के विचारों का प्रवाह है, उसके वो मन के विचारों के पीछे वो ब्रह्म छिपा हुआ है, वो खड़ा है उधर, हमको पता है वो है पर दिखता नहीं। क्यों? विचारों की रेलगाड़ी आ गई बीच में, और जितनी तेज चल रही है वो गाड़ी, भाग रहे हैं विचार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कंटिन्यूस चल रहे हैं, तब तक वो गैप नाम की चीज को हम जानते ही नहीं है कि कोई गैप भी है जिससे दिख सकता है। तो हमको तो लगता है बस ये गाड़ी ही सत्य है, उसके पीछे कुछ है ही नहीं। फिर वो थोड़ी धीमी होती है तो क्या हो गया, गैप दिखा। अरे हाँ, वो धीमी होने पर भी यदि हम डिब्बों को ही देखते रहे तो पीछे कुछ दिखेगा नहीं, पर वो धीमी हो तब एक अवसर है हमारे पास कि उसके बीच में भी देखें। एक विचार, एक वृत्ति चली गई है और दूसरी वृत्ति अभी उठी नहीं है, उसका जो अंतराल है और वो बहुत कम होता है शुरुआत में, उसको पकड़ना ही कठिन है, फिर और उसको धीमी करते हैं। इसीलिए ये साधना वगैरह बैठते हैं फिर बोले थोड़ी देर प्राणायाम करो, थोड़ा जप करो, ये सब से क्या होता है, ये जो गाड़ी की गति धीमी कर रहे हैं
ताकि उसके इंटरवल पे फोकस कर सके। जप भी करें, पहले तो जप में जो नाम है, उसका शब्द है, उसका अर्थ है, उसकी ध्वनि है, उस पर फोकस होता है। पर फिर करते 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 जब पूरा फोकस उस पर होता है, फिर दो नाम के बीच में जो साइलेंस है उस पर फोकस होता है, क्योंकि वहीं वो छिपा हुआ है, उन पर्दे, उस विचारों के पर्दे के पीछे ही छिपा हुआ है। गुरुदेव कहते थे, बिहाइंड द थॉट कर्टन इज नारायण।